नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके और अपने चैनल द सुगम पर। आप हमेशा ही ऐसे ही द सुगम को सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही सहयोगी रहूँगा। मित्रों, अगर आपने अभी तक द सुगम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें हमेशा लेटेस्ट खबरें पाने के लिए। मित्रों, आज आपके सामने मैं एक और सट्टा बाजार पेश करने आया हूँ, शायद ये सट्टा बाजार आपको पसंद आएगा। अब इस पार्टी पर होगी फूलों की बारिश, जिस सट्टे बाजार की मैं आज बात करने वाला हूँ। फलोदी के सट्टे बाजार का नया अनुमान जो सामने आया है उसके अनुसार मित्रों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है, ये फलोदी के सट्टे बाजार का मानना है। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सत्तापक्ष की लहर दांव पर है। वहीं सत्तापक्ष की लहर के दावे की सही परीक्षा लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन होगी। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना और आप बिल्कुल सही जगह पर हो। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और अपने चैनल पर। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, अब सभी को नतीजों का इंतजार है। लेकिन हमेशा सभी को फलोदी के सट्टे बाजार व द सुगम जो वीडियो लेकर आता है उसका इंतजार सभी को रहता है। लेकिन मैं आपके सामने एक और नया सट्टा बाजार पेश करने आया हूँ। अब सभी को नतीजों का इंतजार तो है, लेकिन नतीजों से पहले हम जो आपके सामने सट्टा बाजार लेकर आए थे वो चुनाव के पहले के हैं। अब तक आपने जो भी सर्वे देखे हैं, एग्जिट पोल देखे हैं, वो सट्टे बाजार हैं, सभी चुनाव के पहले के हैं। लेकिन जो आज मैं आपके सामने सट्टा बाजार लेकर आया हूँ, ये चुनाव के बाद और नतीजों से पहले का सर्वे है। सट्टे बाजार का शुरू जो सर्वे है उसको मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो बता दूँ कि सबसे पहले हम सीट बात करते हैं हॉट सीट बाड़मेर जैसलमेर की, और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मानविंदर सिंह, और उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं कैलाश चौधरी। इनके बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। लेकिन मारवाड़ के मोदी के नाम से जो जाने जाते हैं कैलाश चौधरी, उनको अब जीत की पूरी संभावना जताई जा रही है, वो भी काफ़ी वोटों के अंतर में। और अब बात कर लेते हैं हम जयपुर ग्रामीण सीट के। और मित्रों, हम आपको बता दें कि इस सीट पर दो प्रत्याशी आमने सामने हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हैं। एक है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और उनके सामने है कृष्णा पूनिया। और फलोदे की सट्टे बाजार की अगर बात माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात कर लेते हैं हम जोधपुर लोकसभा सीट के। यहाँ का मुकाबला बड़ा दिलचस्प माना जा रहा है। यहाँ पर आमने सामने जो प्रत्याशी हैं वो अशोक गहलोत के एक तो सुपुत्र हैं और उनके सामने गजेंद्र सिंह शेखावत, और इनके बीच में एक भारी मुकाबला बताया जा रहा है। वहीं सट्टे बाजार की बात माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और चुनाव के होने से पहले की अगर सट्टे बाजार की हम बात माने तो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी, लेकिन कुछ अचानक ऐसे बदलाव आए जो रातों रात मानसून की तरह बदल गया जोधपुर का फलोदी सट्टा बाजार। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना और आप बिल्कुल सही जगह पर हो। झालावाड़ लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं दुष्यंत सिंह और उनके सामने हैं प्रमोद शर्मा। और दुष्यंत सिंह हैं जो वसुंधरा के सुपुत्र एवं लाडले बेटे हैं, जैसे एक माँ का छोटा बेटा जो कितना माँ उसे प्यार देती हैं, उसी तरह बीजेपी के प्रत्याशी जो दुष्यंत सिंह हैं वो वसुंधरा के सुपुत्र एवं लाडले बेटे हैं। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ फलोदी के सट्टे बाजार की बात माने तो यहाँ पर बीजेपी की गढ़ मानी जाती है झालावाड़ 12 सीट, और यहाँ पर सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब हम बात कर लेते हैं बीकानेर लोकसभा सीट की। लेकिन मित्रों, बीकानेर लोकसभा सीट की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो के अंत में आपसे सवाल पूछा गया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें भेजना है। जी हाँ मित्रों, आपको किसी भी समय निकाल कर आपको वीडियो को देखते देखते आप ज़रूर कमेंट करें। उस कमेंट का इंतज़ार सभी को रहेगा, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात कर लेते हैं बीकानेर लोकसभा सीट की। इस सीट पर कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन मोदी के करीबी नेता माने जा रहे अर्जुन राम मेघवाल का यहाँ पर पलड़ा भारी है। बीकानेर में कांग्रेस के प्रत्याशी भी मेघवाल समाज से हैं, और लेकिन ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह जो फानी तूफान आया था वो नज़र आता हुआ कैसे दिखाई दे रहा था, उसी तरह ये बीकानेर की जो लोकसभा सीट है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मानी जा रही है। और अब बात कर लेते हैं हम पाली संसदीय सीट की। यहाँ पर संसदीय सीट पर पीपी चौधरी व बद्रीनाथ के बीच में कुछ बड़ा भारी मुकाबला देखने को मिला है। यहाँ पर कमल का फूल है जो खिलता हुआ नज़र आ रहा है।
जिस तरह सुबह सुबह जो फूल खिलते हैं हवा के लहकाते हैं, उसी तरह यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन बात कर लेते हैं हम नागौर लोकसभा सीट की, यहाँ कुछ खास कांटे की टक्कर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो RLP व BJP के बीच गठबंधन होने के कारण यह खास सीट है जो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए NDA के लिए सफलता हासिल कर सकती है। और अब बात कर लेते हैं हम चूरू सीट की, यहाँ पर रफीक मंडेलिया व राजकुमार कछुआ के बीच में जो मुकाबला है वो देखने को मिला है। कांग्रेस ने यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव खेला है, लेकिन कांग्रेस पर ये दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं राजकुमार कछुआ चुनाव के नतीजों के दिन जो निथे हैं वे बता रहे हैं, यह भी सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। और अब बात हम करेंगे राजसमंद की सीट, लेकिन यह भी सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए है। कुछ सीट जो है वो अगली वीडियो में लाएंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। जो सवाल था वो ये है कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, जिस एरिया से बिलोंग करते हो उस एरिया से आपका कौन प्रत्याशी है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। और हाँ, ये भी बताएं कि आप किस पार्टी को कितने सालों से वोट देते आ रहे थे, क्यों, ये हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। और आपके कमेंट को मैं आगे, जो अच्छा कमेंट होगा उसको, उस कमेंट को हमारी टीम अलग वीडियो के माध्यम से उसमें आपके कमेंट को दर्शाएगी, और आपके कमेंट का सभी को इंतजार रहेगा। आप एक अच्छा कमेंट करें ताकि उस कमेंट को मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, आपकी खबरें आप तक, आपकी भाषा में, सही और सटीक। आज तक, आगे तक।